आज हम पढ़ेंगे कबीर जी की साखियाँ एवं शपथ। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। शब्दार्थ बता देती हूँ। मान सरोवर मन रूपी सरोवर है, हिमालय स्थित सरोवर, सुभर यानी अच्छा भरा हुआ, पवित्र यानी शुद्ध, हंसा यानि हंस, परमात्मा में लीन साधक या आत्मा, केली का मतलब खेल है, क्रीड़ा का मतलब खेल और क्रीड़ा दोनों केली को ही बोला है, कराही का मतलब है करना, मुक्ता फल यानि मोती, उड़ी यानि उड़कर, अनत यानि अन्यत्र कहीं और। अब मैं इस साखी का आपको भावार्थ बता रही हूँ। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस दिन रात क्रीड़ामग्न रहता है। जिस हंस को दिन रात मुक्ता फल चुगने को मिले यानी मोती चुगने को मिले, वह भला उस स्थान से उड़कर और कहीं क्यों जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस पूर्णतः मग्न है, उसे भक्ति के पावन मोती प्राप्त हो रहे हैं, अतः वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने का विचार क्यों करेगा। यह भक्ति भावना की चरम अवस्था है, जहां आत्मा और परमात्मा से मिलन होता है। ये है पहली साखी कबीर जी की। दूसरी साखी पे आ जाते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। ढूंढत का तात्पर्य है खोजना, फिरों का मतलब है घूमना, प्रेमी का यहाँ मतलब है प्रभु का भक्त, विष का मतलब है जहर। दूसरी सखी का भावार्थ बता देती हूँ। यहाँ पर कविदास जी कह रहे हैं कि मैं किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला, परंतु बहुत सारे प्रयास करने पर भी मुझे वह नहीं मिल सका। जब मुझे एक सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सभी पाप पुण्य में बदल गए, वासनाएं दूर हो गई तथा बुरी भावनाएं समाप्त हो गई। इन सभी बुरी और दूषित भावनाओं के दूर होने से मन अमृत के समान पवित्र हो गया। तीसरी साखी पे आ जाते हैं। तीसरी साखी है हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दई झक मारे। हस्ती का मतलब हाथी, सहज का मतलब स्वाभाविक, दुलीचा का मतलब छोटा गलीचा या आसन, डारी मतलब डालकर, स्वान यानी कुत्ता, भूखन मानी भोंकना, झक मारी मतलब बर्बाद करना वक्त या बकवास कर। कबीर दास जी ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सत्य एवं स्वाभाविक आसन या कालीन को ज्ञान रूपी हाथ पर डालकर चलते रहो। यह अज्ञानी संसार तो उस समान अर्थात कुत्ते के समान है जो हाथी को देखकर भौंक भौंक कर अपना समय नष्ट करता है, जबकि हाथी किसी की प्रवाह किए बिना अपनी सहज स्वाभाविक चाल में चलता रहता है। उसी प्रकार सत्य के साधक को संसार की चिंता किए बिना अपने सहज मार्ग पर चलते रहना चाहिए। चौथी साखी पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी पक्ष और विपक्ष हैं, कारण है कारण, जग का मतलब संसार है, भुलान का मतलब भूल गया, निरपक्ष का मतलब निरपेक्ष, सोई का मतलब वही, सुजान का मतलब सज्जन ज्ञानी या जानकार। चौथी साखी का मैं आपको भावार्थ बता देती हूँ। कबीर दास जी कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में पक्ष विपक्ष के कारण
पूरा संसार भक्ति के वास्तविक मार्ग को भूल गया है। यदि हमें सच्ची भक्ति प्राप्त करनी है तो पक्ष विपक्ष के इस दलदल से मुक्त होना होगा। जो भक्त निष्पक्ष होकर हरि अथवा भगवान का भजन करता है, सच्चे अर्थों में वही संत ज्ञानी कहलाता है। भक्ति के सहज मार्ग पर तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष का कोई स्थान नहीं है। पांचवी साखी, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुही के निकट न जाए। मुआ का तात्पर्य नकारा है, कही का मतलब कहता है, खुदाई का मतलब खुदा है, सो का मतलब वही, जीवता जीता है, जीवित रहता है, पास नज़दीक यानी पास निकट यानी पास है, नज़दीक है। पाँचवीं सखी का तात्पर्य बता देती हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम का नाम लेते लेते मर गए और मुसलमान खुदा का नाम लेते लेते मर गए। अपने धार्मिक अंधविश्वासों के कारण वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधक इन कृत्रिम मार्गों से दूर रहता है, वही अपने सद्विचारों के कारण जीवन पर्यंत तथा जीवन के बाद भी जीवित रहता है। ऐसे साधक सार्वभौमिक सत्य को महत्व देते हैं। छठी सखी है, काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। काबा का मतलब है सऊदी अरब में स्थित मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल। काशी वाराणसी में काशी है। काशी भया का मतलब हो गया, उत्पन्न का मतलब हो जाना, मोटा मीन्स मोट, चून आटा, अत्यंत पतला और चिकना रूप मैदा होता है, बैठी मतलब बैठकर, जीमना मतलब खाना या भोजन करना। छठी सखी का भावार्थ बता देती हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, तब मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा और हिंदुओं के तीर्थ स्थान काशी के बीच बाह्य अंतर समाप्त हो जाता है। उसके लिए राम और रहीम या अल्लाह के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार मोटे चून को मैं अखाद्य समझ रहा था, अब वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया है और उसे मैं आराम से बैठकर खा रहा हूँ। इससे आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के समाप्त होने पर मेरे मन से हिंदू और मुस्लिम का राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएँ दूर हो गई हैं। छठी सखी है, सातवीं सखी है, उच्च कुल का जनमिया जे करणी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कुल का मतलब है वंश, जाति का मतलब है क्या, जनमिया का मतलब है जन्म लेना, पैदा होकर, जे का मतलब जिसकी, करणी का मतलब काम, सुबरन का मतलब सोना, कलश का मतलब घड़ा, सुरा का मतलब शराब, निंदा का मतलब बुराई, सोई यानी उसका कुलवंश। कबीर जी कहते हैं कि यदि मनुष्य उच्च कुल या जाति में जन्म लेकर भी अपने कर्मों से ऊंचा नहीं है, तो वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होता है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी यदि उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से क्या लाभ है। यदि शराब या मदिरा सोने के कलश में भरी हो, तो भी ज्ञानी जन की दृष्टि में वह निंदा के योग्य ही रहेगी, यानी कि उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, उच्च कल में जन्म लेने से नहीं।